मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का स्टेटस मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मुझे गाइस आप लोग के कमेंट का बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार रहता है। और गाइस आप लोग के कमेंट से ना दिल को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और गाइस वीडियो बनाने के लिए ना बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट करके जरूर बताया करिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज की स्टार्टिंग में जो आपने स्टेटस देखा है ना ओल्ड हिंदी टीचर स्टेटस, तो वैसा ही स्टेटस बनाने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना, स्टेप बाय स्टेप देखना और गाइस वीडियो को बिना स्किप करके देखना, क्या क्या प्रोसेस सब आपको बताएंगे गाइस। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और इस तरह का कमाल का एडिटिंग सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और भी प्रेस कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले आज की स्टेटस जो आपने देखा है, वैसा स्टेटस बनाने के लिए एक एप्लीकेशन आता है जिसका नाम है अलाइट मोशन। ये आपको जो है सॉन्ग बीट मार्क, तो सॉन्ग बीट मार्क को ओपन कर लेना है। आपके सामने देखने को मिलेगा यहाँ पर सारे बीट वगैरह सब के लगे रहेंगे और यहाँ पर आपको आपका फोटो ऐड करना है और गाइस स्टेप बाय स्टेप देखना है क्योंकि इसमें बहुत सारे इफेक्ट वगैरह लगने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखना, ठीक है, कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें फोटो ऐड करना है। तो फोटो ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और गाइस मीडिया पर जाना है। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बॉक्स, तो बॉक्स के नीचे आपको एक जो नाम लिखा रहेगा इस नाम पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके सारे गैलरी का फोटो वगैरह आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको उस फोल्डर को चूज़ कर लेना है जहाँ पर आपने फोटो को ऐड किया। तो सबसे पहले गाइस मैंने यहाँ पर फोटो को ऐड किया, तो इस फोटो पे मैं क्लिक करूँगा और गाइस थ्री डॉट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं जो यहाँ पर दिख रहा है फील कॉम्प एरिया, इस पर क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन इस तरह से कर देंगे, ठीक है। फिर से गाइस इस पेरो पर क्लिक करेंगे और जो बचा हुआ भाग है इसको कट करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो गाइस हमारा जो फोटो है वो कट जाएगा। फिर से हमको प्लस पे क्लिक करना है और गाइस मीडिया पे जाना है और यहाँ से हमको अदरवाइज कोई और फोटो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और गाइस सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा प्लस पॉइंट, थ्री डॉट पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर देना है, ठीक है। जीरो पे क्लिक करके आपको इस तरह से कट कर देना है। गाइस आपको ये सब फोटो जो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, इसमें जो जो फोटो दिख रहा है सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जो कि बहुत ही आसानी से आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों ज्वाइन करना ना भूलिएगा। तो गाइस यहाँ पर आपको आ जाने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सारा बीट, तो इस बीट के हिसाब से आपको सारी फोटो को ऐड कर लेना है। मैं गाइस फटाफट से फोटो को ऐड कर लेता हूँ, नहीं तो वीडियो का लेंथ जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, ठीक है गाइस। तो मैं वीडियो को गाइस बीट के हिसाब से हमने सभी फोटो को ऐड कर दिया है। तो सबसे पहले हम इस पर इफेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हार्ट वाला जो इफेक्ट था और गाइस जो ब्रेक ग्लास था वो सब लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इफेक्ट लगाना है, तो इफेक्ट सबसे पहले आप बहुत ही ध्यान से देख लीजिए सबसे पहले इफेक्ट कहाँ का कौन सा लगने वाला है, ठीक है। तो मैं बैक करता हूँ, आपको यहाँ पर देखने को का सेक इफेक्ट, तो सबसे पहला वाला जो इफेक्ट, ठीक है, इस इफेक्ट को आपको क्लिक करना है, इस फोटो पे आपको क्लिक करना है और इफेक्ट पे जाना है। थर्ड पे क्लिक करके इस तरह से आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपको गाइस बैक करना है, बैक करने के बाद आपको अपने सॉन्ग बीट मार्क में चले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखेगा छोटा छोटा फोटो, ठीक है, छोटा छोटा वाला फोटो, तो आपको इस फोटो पर आपको क्लिक करना है और इस इफेक्ट पर जाना है और थर्ड पर क्लिक करके आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। और गाइस यहाँ से आपको आना है थोड़ा सा और आगे, तो आपको जो दिखने का मिलेगा एक फोटो छोड़ करके आपको इस फोटो पर क्लिक करना है और इफेक्ट पे जाना है और थर्ड पे क्लिक करके आपको पेस्ट कर देना है। आप ध्यान रखिए अभी पहला वाला इफेक्ट आप कॉपी किए हैं, ठीक है। तो फिर से आपको और आगे आना है और आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर छोटा वाला फोटो, तो छोटे वाले फोटो पे क्लिक करना है और इफेक्ट पे जाना है, थर्ड पे क्लिक करके पेस्ट कर देना। आप ध्यान रहे आप सिर्फ अभी पहला वाला इफेक्ट ही कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस ये वाला इफेक्ट हमारा लग चुका है, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो पहला वाला इफेक्ट था ये फर्स्ट फोटो, सेकेंड फोटो, थर्ड फोटो, ठीक है, तो हमारा ये वाला इफेक्ट अब लग चुका है। एंड गाइस अब लगेगा दूसरा इफेक्ट, तो आपको बैक करना है, बैक करने के बाद आपको जाना है अपने साइक इफेक्ट में, ठीक है। और साइक इफेक्ट में जाने के बाद गाइस आपको देखने को मिलेगा ये जो सेकेंड वाला इफेक्ट है, सेकेंड वाले इफेक्ट को आपको कॉपी करना है, ठीक है। और गाइस इस पर क्लिक करना है और जो इफेक्ट दिख रहा है इफेक्ट पर क्लिक करना है और थर्ड पर क्लिक करना है, इस तरह से कॉपी कर लेना है, ठीक है। गाइस कॉपी करने के बाद आपको अपने सॉन्ग बीट मार्क में चले आना है, ठीक है। और गाइस आपको इस तरह से एरो पे क्लिक करके आपको आगे आ जाना है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और आगे आना है। आपको यहाँ पर जो देख सकते हैं जो पिछला हमने तीन इफेक्ट लगा दिया था, तो आपको और आगे आना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 5:21, ठीक है, तो 5:21 पर आपको आना है। तो जैसे जैसे मैं इफेक्ट लगाऊंगा आपको वैसे वैसे लगाना है, ठीक है। तो मैं फोटो पर क्लिक करूँगा, इफेक्ट पर क्लिक करूँगा, थर्ड पर क्लिक करके इस तरह से पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। फिर इसे इस फोटो पर क्लिक करेंगे और इफेक्ट पर क्लिक करेंगे, थर्ड पर क्लिक करके इस तरह से आपको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। फिर से आपको इसी फोटो पे क्लिक करना है, ये जो फोटो दिख रहा है थर्ड वाला, इस फोटो पे क्लिक करना है और इफेक्ट पे थर्ड पे क्लिक करके इस तरह से पेस्ट करना है। आप ध्यान रहे आपने जो अभी पे इफेक्ट कॉपी किया था हमारा जो है सिर्फ तीन फोटो पे लगने वाला है। तो हमारा देख सकते हैं आप 5:21 से लेकर के
और गाइस यहाँ से आपको दिख रहा है 616, तो यहाँ तक हमारा जो थर्ड वाला इफेक्ट है ये लगेगा। तो सबसे पहले आपको बैक करना है, बैक करने के बाद आपको अपने सेक इफेक्ट में चले जाना है। और गाइस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कलर वाला सेक इफेक्ट, तो इस फोटो पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। और गाइस फोटो पे क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करना है और थर्ड पे क्लिक करना है, इस तरह से कॉपी कर देना है, ठीक है। और गाइस कॉपी करने के बाद अब आपको कहाँ जाना है, अपने सॉन्ग बीट मार्क में, ठीक है। तो गाइस हमने जहाँ पर छोड़ा था आपको वहीं पर चले जाना है। तो गाइस आपने देखा था यहाँ पर मैंने 621 तक जाके छोड़ा था, ठीक है, 621 आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 616 तक हमने छोड़ा था। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो छोटा वाला बीट है इसे थोड़ा सा बड़ा बीट है, ठीक है। तो आपको इस फोटो पे क्लिक करना है, ठीक है, इस फोटो पे क्लिक करना है और इफेक्ट पे क्लिक करके इस तरह से आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा जो है ये वाला इफेक्ट लग चुका है, ठीक है। अब इसके बाद गाइस हमारा लगेगा दूसरा इफेक्ट, तो वो आपको बहुत ही ध्यान से लगाना है, जो कि हमारा चौथा इफेक्ट, ठीक है। तो आपको इस तरह से बैक करना है और अपने साइड इफेक्ट में जाना है। और गाइस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा चौथा नंबर पे इफेक्ट, ठीक है। तो आपको फोटो पे क्लिक करना है और इफेक्ट पे क्लिक करना है और थर्ड पे क्लिक करके इस तरह से आपको कॉपी करना है, ठीक है। और गाइस कॉपी करने के बाद आपको बैक करना है, अपने सॉन्ग बीट मार्क में चले आना है। आपने कहाँ पर छोड़ा था मैं आपको याद दिला देता हूँ, आप देख सकते हैं हमने 7-2 पे छोड़ा था, जहाँ पर हमने कलर वाला सेक इफेक्ट लगाया था, ठीक है। अब इसके बाद से गाइस जो हमने चौथा वाला इफेक्ट सिलेक्ट किया था उस वाला इफेक्ट लगेगा। तो फोटो पे क्लिक करना है और इफेक्ट पे क्लिक करना है, इससे थर्ड पे क्लिक करके हमको पेस्ट कर देना है, ठीक है। और गाइस फिर से आपको आगे आना है और गाइस फोटो पे क्लिक करना है और इफेक्ट पे क्लिक करके थर्ड पे क्लिक करके इस तरह से पेस्ट कर देना है। गाइस ये वाला हमारा इफेक्ट जो लगने वाला है पूरा लास्ट तक लगेगा, ठीक है। गाइस लास्ट तक हमारा जितने फोटो इसमें है ना, ठीक है, सारे फोटो पे लगने वाला है, ठीक है। तो इस फोटो पे क्लिक करेंगे और इफेक्ट पे क्लिक करके और इस तरह से हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो गाइस हमारा जो है सारा इफेक्ट वाला काम खत्म हो चुका है। अब गाइस इस पर लगाना है जो कि और भी सारे काम है, ठीक है, इसमें हार्ट ब्रेक वगैरह सब लगाना है। तो आपको बताएंगे इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, ठीक है। अगर आपको गाइस सबसे पहले एरो पे क्लिक करना है तो आपको देखने को मिलेगा ये जो बड़ा वाला पार्ट, ठीक है, बड़ा वाला जो यहाँ पे बीट दिख रहा है, तो आपको इस फोटो पे क्लिक करना है। और गाइस यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग ऑपेसिटी पे जाना है और यहाँ से आपको जो फोटो ये दिख रहा है ना ब्राइटनेस, ब्राइटनेस को जो 50 दिख रहा है आपको इसको 100 दिख रहा है तो इसको 50 कर देना है, ठीक है। तो गाइस हमारा देख सकते हैं यहाँ पर फोटो का जो ब्राइटनेस है 50 हो चुका है। तो फिर से आपको बड़े वाले फोटो पे आना है, ठीक है, इस फोटो पे क्लिक करना और ब्लेंडिंग ऑपेसिटी पे जाना है। और गाइस यहाँ पर आप दिख रहा है 100, इसको आपको 50 कर देना है इस तरीके से, ठीक है। तो गाइस हमारा जो है 52 भी रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर से आपको थर्ड वाले फोटो पे क्लिक करना है, ठीक है, जो बड़ा वाला बीट है सिर्फ उसी पे करना है ना। तो फोटो पे क्लिक करना है और ब्लेंडिंग ऑपेसिटी में जाना है और गाइस इसको भी हमको 50 के आसपास कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइस हमारा 51 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना हो जाने के बाद अब गाइस इस पे लगाना है सब इफेक्ट जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके जो है गैलरी में जाएगा, तो गैलरी में जाएगा तो आपके डाउनलोड फोल्डर में जाएगा। तो हम जो इसको सेव करके पहले से रखे हुए हैं, तो मैं इसको फटाफट से ढूंढ लेता हूं, ठीक है। तो गाइस हमने यहां पर सेव करके रखा है माई मटेरियल्स के नाम से, तो मैं गाइस फटाफट से ढूंढ लेता हूं कहां पर है भाई। तो गाइस हमारा जो है मटेरियल जो है दिख मिल गया, ठीक है। तो आल मटेरियल नाम से हमारा है, तो मैंने यहाँ पर सेव करके रखा है। तो इसको लगाने के लिए आपको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो दिख रहा है ना हार्ट ब्रैक वाला, ठीक है, इसको आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और गाइस सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा इसको क्लिक करना है, ठीक है। आपको जो यहाँ पर सिलेक्ट है तो इस फोटो पे आपको क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा इस ये जो मूव एंड ट्रांसपोर्ट पे जा करके और ये जो दिख रहा है जो तीसरे नंबर पे इस पर क्लिक करके आपको इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है, ठीक है। कम से कम आपकी जो वीडियो का साइज़ रहेगा ना उस साइज़ के हिसाब से बड़ा होना चाहिए। तो वैसे हमारा जो है इतना बड़ा कम से कम होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, तो सबसे पहले आपको बैक करना है। बैक करने के बाद कैसे आपको इसका जो मेन लिरिक्स है वो आपको मिला लेना है, ठीक है। तो आपको और आगे आना है, ठीक है, और आगे आना जहाँ पे आपको दिखेगा कि जो दिल है ना वो फूटेगा, तो आपको वहीं पे पकड़ना है इसको। तो गाइस आप थोड़ा सा और आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो है दिल क्रैक हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो है हार्ट है ये हमारा हार्ट ये क्रैक हो रहा है, देख रहे हैं ये जो हमारा हार्ट है ये क्रैक हुआ, ठीक है। तो आपको यहीं पर आपको क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है इफेक्ट पर, ठीक है, जो जो इसको काटने के लिए जो दिख रहा है कट वाला भाग, इस पर आपको क्लिक करके इसको इस तरह से कट कर देना है, ठीक है। तो फिर से आपको अपने यहाँ पर स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाना है, स्टार्टिंग वाले बीट पे, ठीक है। तो आपको इस जो बचा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है हार्ट पे और इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपका जो स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा भगा किस तरह से देख लेना है कि आपका हार्ट कट रहा हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आपको यहाँ तक आना है हाफ तक, ठीक है, जो अगला वाला बीट है उससे थोड़ा सा पहले आना है और इसे जो हमारा टेम्पलेट है इस टेम्पलेट पे आपको क्लिक करके इसको इस तरह से कट कर देना है, ठीक है। तो कैसे हमारा कट हो चुका है, ठीक है। तो आपको इस इफेक्ट इस जो टेम्पलेट टेम्पलेट पे क्लिक करना है
और इफेक्ट पे जाना है, और गाइस यहाँ से आपको एड इफेक्ट पे जाना है, और यहाँ से आपको चले जाना है अपने यहाँ पर देखने को मिलेगा मेटल मास्क की, तो इस पर आपको क्लिक करना है, और गाइस क्रोमा की पे चले जाना है। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड पे जाना है, उसके बाद गाइस यहाँ जो कलर दिख रहा है ग्रीन, इस ग्रीन की जगह आपको ब्लैक सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ब्लैक सेलेक्ट करने के बाद आपको अगर थोड़ा थोड़ा ब्लैक दिखेगा तो आपको जो यहाँ पर दिख रहा है ना ये वाला ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन को आपको थोड़ा सा इस तरह से आपको इंक्रीज कर देना, तो हमारा जो बचा हुआ थोड़ा बहुत ब्लैक होगा वो चला जाएगा, ठीक है। तो और गाइस इस पे लगाना है एक और इफेक्ट, तो आपको इस पे क्लिक करना है मेटल पे, और गाइस यहाँ से इफेक्ट पे जाना है, और यहाँ पे ऐड इफेक्ट पे जाना है, ठीक है। ऐड इफेक्ट पे जाने के बाद गाइस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, आप थोड़ा सा इसको स्लाइड साइड करेंगे ना तो आपको देखने को मिलेगा ऊपर में फेड इन आउट, तो इस पर आपको क्लिक करना है और स्टैंडर्ड पे जाना है, और यहाँ पे आपको जाना है फेड इन आउट पे। तो इस पर क्लिक करने के बाद गाइस जो हमारा इन वाला दिख रहा है ना इसको हमको स्टार्टिंग पे कर देना है, और गाइस जो हमारा आउट वाला भाग है इसको थोड़ा सा हमको कर देना है, ठीक है, थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। तो गाइस इससे करने से ये होगा कि हमारा जो लास्ट में जाएगा तो ये थोड़ा सा गायब हो जाएगा, जो कि देखने में बहुत ही ऑसम लगने वाला है, ठीक है। तो गाइस अब हमको क्या करना है, एक और ब्रेक लगाना है जो कि हमारा है हार्ट ब्रेक, तो आपको सॉरी हार्ट ब्रेक तो लग चुका है, अब है हमारा ग्लास ब्रेक, तो आपको प्लस पे क्लिक करना है और मीडिया पे जाना है, और जहाँ भी आप डाउनलोड करके रखे रहेंगे आपके डाउनलोड फोल्डर में जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा हार्ड ब्रेक, ये सॉरी ग्लास ब्रेक, तो आपको यहाँ पर इसका आपको स्क्रॉल करके आगे आना है, आपको देखने को मिलेगा जहाँ से आपका फूटेगा वहीं पर आपको इसको ध्यान से पकड़ना है, ठीक है। तो गाइस हमारा जो है यहाँ पर फूट रहा है, ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक करना है, और जो बचा हुआ भाग है इसको साइड में कट करने के लिए कट जाएगा, ठीक है। फिर से आपको एरो पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको फिर से इस पर इफेक्ट पे क्लिक करना है, जो हमारा है मटेरियल इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एरो, एरो पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है इससे मिल जाएगा। अब गाइस इसको फुल स्क्रीन करना है तो थ्रेड पे क्लिक करना है, और यहाँ से फिल कंप्रेशन एरिया पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर देना है, ठीक है। तो गाइस अब आपको यहाँ पर आना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करके जहाँ तक हमने हार्ट वाला लगाया था वहीं तक आपको लगाना है, तो आपको इस हार्ट पर क्लिक करना है, और ये जो बचा हुआ भाग इस पर क्लिक करना है, ठीक है, हमारा कट हो गया है, ठीक है। तो आपने आपको फिर क्या करना है, ठीक है, आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, जो ब्रेक ग्लास इस पर क्लिक करना है, और गाइस यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग ओपेसिटी देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको लाइट देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको स्क्रीन इसको कर देना है, ठीक है। तो गाइस अब देख रहे हैं हमारा जो इस तरह से आपको जो फूटेगा ना इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही आपको मैं प्ले भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो गाइस ऐसा देखने को मिलेगा, जो कि आपको मैंने प्रीव्यू में पहले ही दिखा दिया, ठीक है। तो गाइस इसका जो साउंड आपको सबसे पहले बंद कर देना है, इस पर क्लिक करना है, और जो हमारा जो ये मेटल ग्लास वाला जो है ग्लास वाला साउंड है ना इसको आपको 150 कर देना है, ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद गाइस जो हार्ट वाला है इसका आपको साउंड माइनस कर देना है 0, ठीक है। तो गाइस हमारा जो है इतना हो गया है। अब गाइस अब आपको क्या करना है, इस जो दोनों वाला पार्ट है इस दोनों आपको आपको इस तरह से आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको लेयर पर क्लिक करना है, और कॉपी पर आपको कर देना, ठीक है, और कॉपी करने के बाद कैसे आपको जो एरो दिख रहा है एरो पे आपको क्लिक करना है, और एरो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आना है 2.5 पे, ठीक है, 2.5 पे आपको टाइम याद रख लेना है, 2.5 पे आना है, और इस तरह से आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है, ये हमारा हो गया। फिर से आपको एक लेयर इसको छोड़ देना है, और इस वाले पे आपको आना है 4 सेकेंड पे, ठीक है। फिर से आपको लेयर पे क्लिक करके इस तरह से आपको पेस्ट कर देना है, तो आप देख सकते हैं हमारा जो है तीसरे लेयर तक कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस हमारा जो है बस यही तक ये वाला टेम्पलेट लगने वाला था, तो हमारा सब इफेक्ट कंप्लीट हो चुका है। आप गाइस इसको एक्सपोर्ट करें, ठीक है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको ऊपर जो सेटिंग दिख रहा है सेटिंग के बगल में आपको इस पर क्लिक करना है, और ये आपका मात्र एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्लिक करना है, ऐसा आपको एक्सपोर्ट हो जाएगा, तो यह मात्र आपका 2 से 3 मिनट में एक्सपोर्ट हो जाएगा। इस उम्मीद करते हैं हमारा आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। गाइस पसंद आया तो लाइक कर देना, और चैनल पर जो फर्स्ट टाइम विजिट करें इस तरह कमाल का वीडियो सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और पहले से अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।